नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां राजवीर और सौर्य एक दूसरे के लिए प्रेम भाव बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं, और वहीं बात की जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि निधि खेल रही है करण के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश। सबसे पहले तो दोस्तों स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे YouTube चैनल उस जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए प्रीता की। तो प्रीता दोनों बेटों से बोलती हुई नज़र आ रही है कि सौर्य और राजवीर दोनों एक दूसरे को गले लगो और एक दूसरे को अच्छे से हग करो, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई अब दुश्मनी नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं कि तुम दोनों बच्चों के बीच में कोई दुश्मनी हो। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब प्रीता और साथ में राजवीर दोनों ही सौर्य को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, करीब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट है। वहीं करण की बात की जाए तो करण इस समय सौर्य से मिलने के लिए जैसे ही उसके रूम में गया है, तुरंत ही वहाँ पर निधि ने उसको रोक लिया है, बोला है कि कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। वो अभी लेट रहा है, यानी बहाने मार दिया है इस समय निधि ने, क्योंकि निधि का जो मेन फ़र्ज है वो ये फ़र्ज है कि किसी भी तरीका से सौर्य को बिगाड़ना और लूथरा परिवार के खिलाफ करना, क्योंकि दोस्तों लूथरा परिवार के खिलाफ करने के लिए इस समय कुछ भी कर सकती है निधि। और निधि का मानना यह है कि जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे शायद भूल चुकी है कि कभी भी तुम्हारी असली चालाकी आज नहीं तो आज के दिन पकड़े जाने वाली बाकी है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले ही बोल दिया था सौर्य ने कि जो हो रहा है उसे तो हम देख ही लेंगे, आज नहीं तो कल इन लोगों को हम एक्सपोज करके ही दम लेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और नया नज़रिया भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही मेरी वीडियो।